हाल के समय में हम लोगों ने रशिया और यूक्रेन के बीच जो एक युद्ध हो रहा है उसके विषय में बहुत समाचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन क्या हम लोग को ये पता है कि इस विवाद के जड़ में आखिर क्या है? एक लाइन में तो बताया जा सकता है, लेकिन अगर इसके तह में जाया जाए तो इसके तह में द्वितीय विश्व युद्ध है। हम सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में दुनिया में लड़ा गया था। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका और आज का जो रसिया है एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, लेकिन ये दिलचस्प बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये दोनों देश मित्र देश हुआ करते थे, और आज के रशिया को उस समय सोवियत संघ बोला जाता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस एक तरफ थे और दूसरे तरफ इटली और जापान थे। तो इन दो प्रमुख पक्षों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, और हम लोग जानते हैं अमेरिका और इसके साथ जो भी लोग थे उनकी विजय हुई थी। लेकिन इस युद्ध में एक घटनाक्रम घटित हुआ, और वो घटनाक्रम था जापान पे परमाणु बम से हमला। हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस तिथि को परमाणु बम से जापान पे हमला किया गया है। तो जापान के दो शहर हैं, एक हिरोशिमा जिसपे 6 अगस्त, नागासाकी जो उस पे 9 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया, और परमाणु बम से हमला किया जिससे जापान नस्तनाबूत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी बुरी तरह हार हुई। एक तरफ सोवियत संघ जो अमेरिका के साथ था उसकी जीत तो जरूर हुई थी, लेकिन इस घटनाक्रम से सोवियत संघ नाराज भी हुआ। उसे ये बात बहुत नागवार गुजरी कि हम जो अमेरिका के साथ हैं, साथ होने के बाद भी हम लोगों से ये पूछा नहीं गया है कि क्या परमाणु बम से हमला किया जाए या न किया जाए। तो यहाँ से दोनों देशों के बीच एक अविश्वास उत्पन्न हो गया, और यही अविश्वास शीत युद्ध में कन्वर्ट हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 7-8 स्टेप में देखेंगे कि आज का जो रशिया और यूक्रेन के बीच विवाद है उसके तह में है क्या। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने देखा कि जापान पे हमला हुआ, तीसरा स्टेप इसका ये है कि जापान पे हमला होने से रसिया अर्थात सोवियत संघ नाराज हुआ, जिससे एक कोल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हुई। अब यह कोल्ड वार है क्या? कोल्ड वार एक मानसिक स्तर पे लड़ा जाने वाला युद्ध है जिसमें न तो परमाणु बम से हमला किया जाता है न किसी भी हथियारों से हमला किया जाता है। तो ये जो कोल्ड वार है, इस कोल्ड वार ने दुनिया को दो भागों में, दो घटक में तब्दील कर दिया। एक जो अमेरिका का है, जो अमेरिका के पक्ष में था अर्थात पूंजीवादी देशों के पक्ष में था, और एक दूसरा जो सोवियत संघ के साथ था जो साम्यवादी विचार के साथ था। उस समय दुनिया में दो विचार काफी प्रभावित देशों को कर रहे थे, एक पूंजीवादी जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, और एक साम्यवादी अर्थात समाजवादी विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व सोवियत संघ कर रहा था। यहीं पे जब कोल्ड वार का जो समय, उस समय 1945 से 1948 के बीच चल रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने कुछ देशों की मदद से एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम है नाटो, NATO। अब ये नाटो है क्या, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ये वो संगठन है जिसकी स्थापना अमेरिका के मदद से, अमेरिका के साथ साथ 11 देशों ने किया था, और इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों को सैन्य सहायता मुहैया कराना होता है। और इसका एक उद्देश्य प्रारंभ में ये भी था कि जो मेरा विरोधी है अर्थात सोवियत संघ,
उसका विघटन कर दिया जाए। और यही विघटन अगले स्टेप में 1991 में हुआ भी। अमेरिका ने नाटो की मदद से और कुछ और देशों की मदद से 1991 में सोवियत संघ का विघटन कर दिया। और सोवियत संघ का जब विघटन किया तो हम लोग जानते हैं कि सोवियत संघ 15 देशों में बट गया, जिसमें सबसे बड़ा देश रसिया उभर के आया और इसी का एक देश था यूक्रेन, जो 1991 में ये दो देश विश्व पटल पे उभर के सामने आए। फिर घटनाक्रम आगे बढ़ा। फिर हम लोग अगर पूर्व के कुछ सालों में जाएं तो 2014 में एक घटना घटित हुई। हम लोग जानते हैं कि रसिया एक साम्राज्यवादी देश है, जैसे कि चाइना भी एक साम्राज्यवादी देश है, उसी के तरह रसिया भी एक साम्राज्यवादी देश है। इसकी परिणति 2014 में हम लोगों ने देखा कि रशिया ने 2014 में यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र क्रीमिया पे अधिकार कर लिया और क्रीमिया को अपने में अर्थात रशिया में इसे मिला लिया। ये 2014 का घटनाक्रम है। अब देखिए, यूक्रेन को ये बात पता है कि यदि कभी रशिया मेरे पे हमला करता है तो मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे सैन्य बल में इतना सामर्थ्य नहीं है कि रसिया जैसे देश का सामना हम लोग कर सकते हैं। इसलिए 2022 के घटनाक्रम में यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की इच्छा प्रकट की और यही नाटो में इच्छा प्रकट, नाटो में प्रवेश करने का जो इच्छा है यूक्रेन का, यही विवाद का मूल कारण है। अब हम लोग को यहाँ देखना है कि आखिर यूक्रेन जो एक सॉवरेन कंट्री है, संप्रभु कंट्री है, जो अपने आंतरिक और अपने बाहरी किसी भी प्रकार के अधिकारों को लेने में स्वतंत्र है, तो यहाँ पे रसिया को आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? रसिया को ये प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहता कि उसके जो पड़ोसी देश हैं, जैसे लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, रोमानिया, जो पहले ही नाटो में अर्थात अमेरिका के अगुवाई का जो यह संगठन है जिसका हेड क्वार्टर यूरोप के ब्रुसेल्स में है, उसमें मेरा जो पड़ोसी देश है वो शामिल हो। और ये रसिया नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि यदि नाटो के देश या अमेरिका के समर्थित देश उसके इर्द गिर्द आते हैं तो भविष्य में अमेरिका उस पर हमला कर सकता है या उस के अधिकारों का अतिक्रमण करता है या कर सकता है। यही विवाद का मूल कारण है कि यूक्रेन हिस्सा थे। तो हम लोग जानते हैं कि 2014 में ये जो पार्ट है यूक्रेन का, जिसे क्रीमिया बोला जाता है, इसी क्रीमिया पे 2014 में रसिया ने आक्रमण करके इसे अपने देश में मिला लिया। और उसके बाद यही काम रसिया ये कर रहा है कि ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जो यूक्रेन का पूर्वी भाग है, जिसका यूक्रेन का एक प्रांत लुहांस्क और एक प्रांत डोनेस्क, ये दोनों प्रांत है जिसमें रसिया की मूल आबादी बहुतायत में रहती है। और रसिया का ये क्लेम है कि हमारी जो जनसंख्या है उस पे यूक्रेन विशेष रूप से ध्यान नहीं देता है और यूक्रेन इस क्षेत्र में अलगावादी तत्वों की बात दुनिया में बताता है। और अभी हाल ही में रसिया ने इस पूर्वी यूक्रेन पे हमला करके इन दोनों प्रांतों को रसिया में मिला लिया है। और यहाँ पे हम लोग अगर पेपर्स में देखेंगे तो यहाँ इसकी जो जनसंख्या है लुहांस्क और डोनेस्क की, ये स्वतंत्रता के लिए रशिया का धन्यवाद भी दिए हैं। अब यूक्रेन को पूरा पता है कि आने वाले समय में कीव जो यूक्रेन की राजधानी है उस पर भी हमला होने वाला है। और हम लोग को मालूम है कि परसों ही यूक्रेन पे के राजधानी कीव पे हमला रशिया ने किया है और रसिया अब परमाणु बम से हमला करने की भी बात यूक्रेन पे कर रहा है। तो ये हम लोगों ने विवाद के कारणों को देखा है। हम लोगों ने भूगोल के माध्यम से भी देखा कि जैसे कि ये जो यूक्रेन है इसका जो पश्चिमी सीमा है
ये पश्चिमी सीमा यूरोप से मिलता है, यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के आसपास का जो इलाका है पेट्रोलियम पदार्थों से भरा हुआ है, और ये भी एक यूक्रेन से विवाद का कारण है। जहां रशिया इस एरिया को अपने हिस्से में मिलाना चाहता है, वहीं यूरोपियन कंट्री और अमेरिका इस हिस्से को यूक्रेन को सहायता करके, सैन्य सहायता देकर वो पेट्रोलियम पदार्थ अपने हिस्से में करना चाहता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि नाटो जो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में अमेरिका ने की थी, इसका मूल उद्देश्य यूएसएसआर का विघटन करना था, और यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ भी था और वो अपने उद्देश्य में सफल हुआ। और आने वाले समय में 2014 में यूक्रेन पे रशिया ने हमला भी किया था, उसके दक्षिणी प्रांत क्रीमिया को अपने कब्जे में भी किया, और इधर 2022 में भी ये जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग को भी, लुहांस को और डोनेस्क को भी रशिया ने अपने भाग में मिला लिया है, और दोनों के बीच युद्ध अभी भी जारी है। और इसका परिणाम आगे क्या होता है ये तो देखने का विषय होगा, लेकिन पूर्वानुमान ये है कि रशिया जो एक साम्राज्यवादी देश है, जो युद्ध हो रहा है इससे अन्य साम्राज्यवादी देश जैसे कि चाइना है उसे मजबूती मिलेगी, और आने वाले समय में वो ताइवान पे, वो हांगकांग पे हमला कर सकता है। हांगकांग जो उसका पार्ट है, हांगकांग में भी लोकतंत्र के लिए लगातार आवाजें उठाई जा रही हैं, उसको वो कुचलने में सफल हो सकता है। साथ ही हम लोग जानते हैं कि चाइना जो अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से, उत्तराखंड खंड के माध्यम से और नेपाल की मदद से भारत पे अधिकार करने का, भारत के कुछ क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करता है, ये परिणाम हम लोग को आने वाले समय में मिल सकते हैं। हम लोगों ने पिछले साल ये भी देखा जो तालिबान जो कभी आतंकवादी संगठन था उसने संपूर्ण अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। तो एक कारण बहुत सारे साम्राज्यवादी तत्वों को मजबूती देगा, और हो सकता है कि अगर इस तरह के युद्धों को जीता रोका नहीं गया तो साम्राज्यवादी तत्व धीरे धीरे युद्ध के माध्यम से लोकतंत्र को कुचलने में सफल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, और आगे फिर हम लोग घटनाक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर अगले वीडियो में रशिया और यूक्रेन के बीच डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।